फैमिली बैकग्राउंड, तुम्हारा स्टेटस, मेरी हैसियत, हम कभी एक नहीं हो सकते हैं। चांदी, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। तुम चाहो तो मुझे आजमा सकती हो। मुबारक हो जरिया, तुम अगर कोई तलाश कर भी रहे थे तो अपनी तलाश खत्म कर दी, क्योंकि ये जिम्मेदारी बाबा जान ने संभाल दी। जी मियां, ऐसा तो मत कहो। जरिया भला क्यों अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढने लगा? मैं उमर 3 के साथ ही मर जाना चाहती थी और जीना नहीं चाहती थी। मैं बुलाओ डॉक्टर को, मेरी माँ, मेरे गुरु का कुछ हो गया ना, हॉस्पिटल की इंश्योरेंस बजा दूंगी। हॉस्पिटल है, आप प्लीज यहाँ शोर मत करें, कहीं और ले जाएं आप इन्हें। ए पीली नर्स, तेरा बेड़ा कर रख, बुला डॉक्टरों को। क्या हो गया बताए मुझे। अरे मेरे आशिक ने इनको चाकू मार के गुरु को जख्मी कर दिया। बेड़ा कर रख जाए, उसका कुत्ते की मौत मरे। इन्हें तो बहुत गहरा जख्म आया जी। डॉक्टर चांदनी, ये पुलिस कैसे? आप इन्हें यहाँ से रेफर कर दें किसी और हॉस्पिटल में। लेकिन सर प्लीज, शी इज रियली इंजर्ड। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ऐसे पेशेंट को कहाँ रखेंगे, मेल वार्ड में या फीमेल वार्ड में? सर इन्हें बहुत गहरा जख्म आया, इन्हें फौरी ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप प्लीज इन्हें इमरजेंसी में लेकर जाइए। लेकिन चांदनी। सर प्लीज धक्का दीजिए प्लीज। खुदा के वास्ते अदील को कुछ समझाएं, पागल हो गया है। आप बाप है उसके, आपके पास ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। अरे क्या समझाऊं मैं, तुम्हारे बेटों को अच्छे बुरे की खुद से तमीज नहीं है क्या? प्लीज पापा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरी भलाई किस में, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये शादी मेरे लिए कितना बड़ा ब्लैंक चेक है जो मुझे सारी जिंदगी कैश करना है। वो बेवकूफ वापस जाने की जिद कर रहा है, कहता है कि मुझे यहाँ के रस्म और रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अदील साफ धमकी दे रहा है कि वो नाना को जाके इनकार कर देगा खुद। उसे तो मैं किसी तरह समझा दूंगा, लेकिन शादी के बाद वो सिचुएशन क्या क्रिएट करता है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, समझी तुम? अरे भाई शादी तो हो लेने दो, फिर मिलके देख लेंगे। हाँ देखती रहना तुम। हाय हाय डॉक्टर जी साहब, क्या हाल है मेरे पुलु के? आप परेशान मत हो, क्या नाम है आपका? जी सुमेरा। सुमेरा, आपके गुरु अब खतरे से बाहर है। जिस कलाम है अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। प्लीज डॉक्टर चांदनी, हमने वो क्या कहते हैं, वो कौन है आपके? सर वो इनके गुरु हैं और ये उनके चेले। हाय डॉक्टर नी साहिबा, आप तो सब कुछ जानती है ना। एक्चुअली आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, फिक्र ना करें, जैसे ही आपके गुरु को होश आता है आप उनसे मिल सकती हैं, और हम आपकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर देते हैं ताकि आपको पुलिस कार्रवाई में आसानी हो। मेरा ख्याल है डॉक्टर चांदनी, हमें अब चलना चाहिए। हाय अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह खुशियों से नवाजे, कोई वारी सत्य वाली मोहब्बत हासिल हो। थैंक यू। जी सर, मैंने उनकी मेडिकल रिपोर्ट बना दी थी, लेकिन आप प्लीज इस रिपोर्ट पर साइन करके उनकी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट बना दी कि कभी कोई उन बेचारों को तंग ना कर सके। As a doctor, it's my duty, but मुझे बहुत हैरत हुई, आप उसे कुछ ज्यादा अहमियत नहीं दे रही थी। ये जराइम पेशा लोग होते हैं, क्रिमिनल भिखारियों का इंतहाई घटिया वर्जन। प्लीज डॉक्टर साहब, बट आई बिलीव इसके जैसे सब इंसान एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही ये सब भी एक जैसे नहीं होते। इनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इंसानियत के रिश्ते पर अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। सॉरी, इनमें और फाशी औरतों में कोई फर्क नहीं होता। प्लीज सर, आप क्यों माइंड कर रही हैं? आपको नहीं मालूम के सर मैं इस मौसम पर कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं इनके बारे में आपसे बेहतर जानती हूँ। आप प्लीज इस रिपोर्ट पर साइन करके इसे यहाँ रख दीजिएगा, मैं जरा वार्ड देख कर आती हूँ। शुक्रिया। अनबिलीवेबल। फिर आप मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद। देखो चांदी, मैंने तुमसे प्यार किया है, प्यार में ये फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है,
तुम्हें पता है ना कि मुझे अभी तक मेरे बाप का नाम नहीं मालूम। ये देखो मेरा आईडी कार्ड, देखो इस पर वल्दियत के नाम पर क्या लिखा है, चंदा का नाम। तुम जानते हो ना कि चंदा की हकीकत क्या है? तुम इसे प्लीज समझो, मैं जानता हूं। देखो चांदी, तुम एक इंसान हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो, दैट्स इट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए इतना ही बहुत है। इतना बहुत नहीं है, तुम्हारी अम्मी जान हमारी कोर्ट मैरिज पर सिर्फ इसलिए राजी हुई है क्योंकि वो जानती है कि मुझे मेरे घर से दुल्हन बनाकर लेकर आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, इस तरह मेरा भी वादा है तुमसे, अगर तुम्हें मैं ब्याह कर अपने घर नहीं लाया ना, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा वेट करूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा। हाँ, चाहो तो मुझे तुम आजमा सकते हो किसी भी तरह। मैं तुम्हें कभी भी किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती, मेरा भी वादा है तुमसे कि अगर मैं इतना हो पाए तो मैं सारी जिंदगी तन्हा गुजार दूंगी बगैर किसी हम सफर के। जीत गए जरिया, आप हार गए मैं, तुम प्लीज मुझसे वादा करो मेरी बहनों की शादी तक तुम अपने घर में मेरा जिक्र नहीं करोगे। तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे घर में किसी तूफान से कम तबाही नहीं लाएगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने घर वालों की खुशियां बर्बाद करो। चांदनी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, देखो तुमने मुझे कबूल किया है यही काफी है, और तुम्हारी तरफ आया हुआ हर तूफान में अपनी तरफ उसका रुख मोड़ूंगा, ठीक है? प्लीज कॉफी पियो। जरिया पहली बार दरगाह से गैर हाजिर हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कहाँ गया आप। बाबा जान, उसकी मसरूफियात का इल्म तो आपको होना चाहिए ना, मैंने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, और हो सकता है वो अपने किसी दोस्त से मिलने चला गया। उसकी तरबियत ऐसी नहीं है कि वो अपने फराइज छोड़कर दोस्तियां निभाए, उसे एहसास है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, और ना ही कोई ऐसा दोस्त है जिसकी खातिर वो अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दे। हो सकता है बाबा जान कोई ऐसा दोस्त हो जिसका इल्म आपको ना हो। क्या कहना चाह रही हैं? हो सकता है बाबा जान कोई नया दोस्त बनाया हो जिसके बारे में बताते हुए आपसे डर रहा हूँ। आप हमें हमारी तरबियत से बदगुमान कर रही हैं। उसका फोन बंद आ रहा है, हो सकता है कोई हादसा हो गया हो, आप माँ हो के परेशान नहीं है? बाबा जान हादसे तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं ना, हम तो बस ये दुआ करते हैं कि उसकी जिंदगी में जो भी हादसा हो बहुत हसीन। आपकी ये बातें हमारी समझ से बाहर है। हादसा हादसा होता है, वो हसीन या बदसूरत नहीं होता। मतलब जब वो आए तो उसे भेजे गया। जी बाबा जान। जरिया बहुत खुश लग रहे, चांदनी से मिलकर आ रहे। जी दरअसल चांदनी को मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है, बस अब इस यकीन को खत्म मत होने देना।
और ना ही रिवायतों की भेंट चढ़ने दे। कभी भी नहीं, बल्कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा जान तुमसे बहुत नाराज है। दरगाह पर तुम्हारी हाजिरी थी ना, और तुमने बहुत देर कर दी। रियली सॉरी, मैं जिंदगी में पहली बार कैसे मिस कर गया। सब कुछ भूल जाओ, मगर सिर्फ और सिर्फ चांदनी से किया हुआ वादा याद रखो। जी जी, मैं चेंज करके आता हूँ। आप खामोश क्यों हैं डॉक्टर चांदनी, कोई बात करें। मुझे लगा था कि मुझे हॉस्पिटल की गाड़ी पिक करने के लिए आएगी, लेकिन आप तो खुद ही आ गए। आपकी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप बिला वजह तकलीफ से काम नहीं लेते, मैं दिल की बात कह देती हैं। मुझे ना खुद को गलत फहमी का शिकार होना पसंद है, मैं किसी और को गलत फहमी में रखना पसंद करती हूँ। इंसान को अंदर तक समझने की सलाहियत मैं समझ रहा हूँ, आप मुझे किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहते, लेकिन मैं आपसे उम्मीद तो रख सकता हूँ ना, आप समझ रही हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप फैसला सुनाने में जल्दबाजी ना करें। डॉक्टर्स अगर डिसीजन लेने में देर करते हैं तो किसी की जान भी जा सकती है। सरिहाब, आप ये कैसे भूल गए? लोग इस जमेरात का पूरा महीना इंतजार करते हैं और आपका फोन भी बंद था। ठीक कह रहे हैं दादा जान, मैं माजरत करता हूँ दादा जान, मैं थोड़ा फंस गया था कहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा। आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत की कदर करना सीखिए। मोहब्बत की कदर तो हमें पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं खुद जाकर उन सबसे माजरत कर लूंगा, ठीक है? आइंदा आप लोगों के मसाइल सुनेंगे, कैसी भी मजबूरी हो अपनी जिंदगी का मकसद बना लीजिए हमारी तरह। नौकरी बिजनेस हमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी जिंदगी को लोगों के लिए वक्फ कर दिया, और आपसे भी हम यही तवक्को चाहते हैं। जी दादा जान। इस खानदान की रिवायतों पर यकीन मत करना, ये रिवायतें सिर्फ इस खानदान की कमजोर औरतों के लिए बनी ताकि दूसरों पर रोक जमाया जा सके। जी अम्मी जान। अम्मी जान ने बाबा जान के सामने मुझसे पूछ लिया, भला मैं इनकार कैसे कर सकती थी। मरियम तो कोई बहाना बना देती, कह देती कि फोन पे बात हुई है। बहाने बनाने और झूठ बोलना हमें कब सिखाया गया? पापा जान डांटते हैं ना। वो मिली भी थी तो जी जान को बताने की क्या जरूरत थी मरियम? अगर मैं उनको कुछ बोलती तो अम्मी जान अपने पास से कोई मतलब निकाल लेती। वो वैसे ही आदिल और उसकी फैमिली के बहुत खिलाफ है। हाँ ये तो है, खाला जान ने तो जूली तक पे भी पाबंदी लगा दी है। तुम्हें पता है आदिल कितना मुखलिस इंसान है, उसने अभी से मुझे किचन में जाने से भी मना कर दिया। वो चाहता है कि मैं अपनी सलाहियतों को चूल्हे में मत झोंकूं। वो मेरे साथ मिलकर बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है वो। तुम कितनी लकी हो मरियम, आदिल की दिल की बात सुन भी रही हो और सुना भी रही हो। तुम्हें पता है उसे मेरे पैसों पे नहीं बल्कि अपने बलबूते पर कुछ करना है। मैंने उसे कहा भी कि
जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ उसका है, मगर वो नहीं माना। अब अम्मी को ये सब कुछ कौन समझाए? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, दादा जान वो ही करेंगे जो इस घर की रवायत है। खाला जान की बात कोई नहीं सुनेगा और वो ही होगा जो तुम चाहती हो। टेंशन मत लो। आप इमरजेंसी का राउंड ले लें, मैं जनरल वार्ड का राउंड लेके घर जाऊंगा। लेकिन सर, मैं अकेले इमरजेंसी कैसे अटेंड कर सकती हूँ? जब आपने मुझे पिक किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो कह रहा हूँ करें। इमरजेंसी में डॉक्टर सोबिया के साथ रिसर्च करें। यस सर। डॉक्टर साहब, गुरु तो ऐसी सोई सुबह से अभी तक नहीं उठी। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं सुमेरा। एक्चुअली उन्हें एनेस्थेटिक ड्रग्स दी गए हैं और होश में आने के बाद सकुन की दवा, ताकि उन्हें दर्द महसूस ना हो। हाय, मैं तो डर ही गई थी कहीं गुरु की रूह परवाज ही तो नहीं कर गई। तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। हाय, ऊपर वाले की देन है। सुनो, तुम चंदा को जानती हो? चंदा, वो रसीली मधु का गुरु? वो तो मेरे गुरु की बहन बनी हुई है, दोनों का एक ही गुरु था। वैसे डॉक्टर नहीं साहिबा, आप कैसे जानती हैं उसको? एक वही तो है इस दुनिया में जिन्हें मैं जानती हूँ, मेरी अम्मी है। चले आए, आपके गुरु को देखिए। अच्छा, आप मोरीलाई फाउंडेशन में एक मुसाफिर खाना भी बनवाए, जो दूर दराज से आते हैं मुसाफिर अपने काम के सिलसिले में उनकी रिहाइश का इंतजाम हो, और लंगर भी जरा वसी कीजिए। जी किबला, कल मैंने छोटे किबला साहब से डिस्कस किया था, वही ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, शायद वो आ ना सके। नहीं, अब वो आएंगे। जी बेहतर। पीर मुर्शिद, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। भाई, आजकल क्या बहुत मसरूफियत हो गई जो आना जाना कम कर दिया? बस पीरो मुर्शिद, आज मैं नजराना देने आई थी और अपनी बच्चियों के लिए दुआ कराना चाहती थी। ये अपना नाच गाना छोड़ के बिजनेस शुरू करना चाहती हैं। अरे वाह, माशाल्लाह, क्या कारोबार करना चाहती हो करिश्मा? जी हुजूर, हम अपना ब्यूटी पार्लर और बुटीक खोलना चाह रहे हैं। नाच गाने में दम नहीं है और टांगे और पैर भी अब जवाब दे गए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाह, हमारे पीरू मुर्शिद को तंदुरुस्ती दे अल्लाह, सेहत दे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। अम्मा, तेरी उम्र ही कितनी बची है जो तू किबला हुजूर को दे रही है? इस पेशेंट की फाइल कंप्लीट कर ले, मैं देख कर जाऊंगी। जी डॉक्टर साहब। अरे सुमेरा, तुम्हारे गुरु की तबीयत तो बहुत तेजी से रिकवर हो रही है। मेरे सदके में बारी, अल्लाह दिल की मुराद पूरी करे, अल्लाह खुशियां दे। मैं देखी कैसे लुड्डियां डालूंगी। लुड्डी है जवानो पा, लुड्डी है जवानो, लुड्डी है जवानो। हेलो, ये हॉस्पिटल है, मौत को अपमान नहीं, बंद करो ये। डॉक्टर प्लीज। डॉक्टर नहीं साहिबा, ये मैं आपके लिए लाई थी। ये डॉक्टर कितना बिल है। ऐसे नहीं कहते। चलो शाबाश, सॉरी बोलो। सॉरी। अच्छा सुनो, चाय के लिए बहुत शुक्रिया, जिवाकी में बहुत तलब हो रही थी। अच्छा पी लीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। चलें आप। जी सर। देखो भाई, दादा जान से मैंने परमिशन ले ली है, अब दादा जान को कोई एतराज नहीं है तुम्हारे हल्ला गुल्ला और ये धूम धड़का करने से। वाह भाई, मैं कहती हूँ भाई हो तो आपके जैसा वरना ना हो। सच कहे किसी ने, बड़ा भाई ना बाप की जगह होता है। सर याब, हम दोनों से छोटा है। मुझसे सिर्फ 3-4 दिन छोटा है, लेकिन लगते है 5 साल बड़े। अरे बस बस बस, अब तुम दोनों मिलकर मुझे बूढ़ा ना कह दे। वैसे भी तुम दोनों की शादी तो हो रही है, मेरी शादी पता नहीं कब होगी, कोई उम्मीद नहीं।
तुम दोनों साथ ही तो नहीं दे रहे मेरा। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। इस तरह तो अम्मी जान भी मेरे साथ है। अम्मी जान तो ये कह रही है कि तुम कोर्ट मैरिज कर लो, ले आओ उसे घर। ये क्या बात हुई? यही बड़ी बात है कि खाला जान ने इजाजत दे दी। मैं अपने भाई की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। कर लेना कर लेना। अच्छा बात सुनो, पहले जरा चांदनी को कॉल तो करो। करती हूँ। सर चाय? सॉरी, मैं ये चाय नहीं पी सकता। सर ये चाय रिश्वत की नहीं, एक मासूम से इंसान की खुशी है। डॉक्टर चांदनी, आपका प्रोफाइल बेस्ट है, इसका ख्याल रखना चाहिए। वो सुमेरा जो माशरे में गाली समझा जाता है, आपने उससे कैसे चाय कबूल कर ली? सर मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि सुमेरा मेरे लिए बहुत अहम है, आप प्लीज उससे इस तरह से गाली मत कहें। मगर डॉक्टर चांदनी। मैं डॉक्टर हूँ, इंसानों में तफरीक नहीं कर सकती, और एक डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा अहम उसके मरीज होते हैं, उनकी जेंडर नहीं। आप जितनी रहम दिल हैं, इतनी जालिम भी हैं। मैंने आप पर कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन आपने मुझे पिक करके आज बहुत बड़ा जुर्म किया है। My God। चाय पी लीजिएगा। मरियम, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आदिल से क्या बात हुई? मम्मी जान, आप जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे सोचने को छोड़ो, क्या आदिल ने तुम्हें कहा है कि तुम अपना हिस्सा लेकर आओ? नहीं नहीं मम्मी जान, बल्कि आदिल तो मेरे बारे में बहुत अच्छे ख्याल रखता है। वो नहीं चाहता कि मैं प्रैक्टिकल वाइफ की तरह जिंदगी गुजारूं, वो तो चाहता है मैं एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह जिंदगी गुजारूं। वो जिंदगी को एक बहुत ही अलग तरीके से सोचता है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा तुम बता रही। मगर एक बात याद रख, इस खानदान की रिवायतों पर यकीन मत करना। ये रिवायतें सिर्फ इस खानदान की कमजोर औरतों के लिए बनी ताकि दूसरों पर रोक जमाया जा सके। तुमने उस लड़की से बात की यहाँ आने के लिए? मैंने उसे फोन किया था जरिया आपके सामने, मगर उसने फोन ही नहीं उठाया। चांदनी के हाल चाल चल रही है ना अम्मी जान? अच्छा खैर, कुछ भी करके तुम उसे यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि वो ही बनेगी इस खानदान की बहू। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जरिया आपका साथ दे रही है। मैं तो कह रही थी आप एक बार जाकर खुद चांदनी से मिल लेना। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं भी चली जाऊंगी उससे मिलने। फिलहाल तो तुम उसे यहां पर बोला। जी आपको तो कॉल करते रहे और जवाब से महरूम रहे। सॉरी मरियम, अभी अभी हॉस्पिटल से आई हूँ, बहुत बिजी दिन गुजरा आज तो। अपनी मसरूफियात से अपने मरीजों के लिए भी टाइम निकाल लिया करो। मरीजों के लिए तो जान भी हाजिर है। अच्छा, अपने उस मरीज का भी ख्याल कर लिया करो जो तुम्हारे तसव्वुर में जिंदा है। बहुत फजूल बातें करती हो तुम, बताओ कॉल क्यों की है? जनाब, परसों से मेरी शादी शुरू है और तुमने लाजमी शिरकत करनी है। लेकिन मरियम, मेरी ड्यूटीज का स्केड्यूल। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, तुमने आना है। लेकिन मरियम प्लीज, चांदनी तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम्हें आना है।
और तुम अपनी अम्मी को और खाला को भी लेकर आओगी साथ। नहीं भैया, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और खाला में कहीं आती जाती नहीं है, मैं कैसे आऊंगी? आपका खादिम हाजिर हो जाएगा जरिया, वो खुद आएगा, बल्कि सर के बल आएगा आपके पास। और कुछ मैडम? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। सोच लो तुम, मैंने तुम्हें अपनी जान की कसम दी है, अगर तुम नहीं आओगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। बहुत फजूल बातें करती हो, आ जाऊंगी। वादा? हाँ ठीक है, लेकिन तुम उसे मना कर देना कि दीवानों की तरह मुझे तमाशा ना बनाए। ठीक है, ओके। सच चांदी, उसकी बहन ने तुम्हें दावत दी है? जी, और उसने ये भी कहा है कि मैं आपको और अम्मी को भी साथ लेकर जाऊं। नहीं, इन बातों को रहने दो, तुम जरूर जाना, समझी? जरूर जाना, और बल्कि मैं तुम्हारी अच्छे से तैयारी करूंगी। लेकिन खाला अम्मी, इस मामले को आगे बढ़ाने का क्या फायदा? चांदनी, जब तुम जरिया को सब कुछ बता चुकी हो तो ज्यादा मत सोचो बेटा। लेकिन खाला अम्मी, जरिया भी ये मामला खुद नहीं सुलझा पाएगा। तुम सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, लेकिन तुमने जरूर जाना है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने मुझसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा ना, तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, और वैसे भी तुम जरिया को सब कुछ बता चुकी हो ना, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो, और बहुत एतमाद के साथ जाना, समझ गई? खाला अम्मी, आप भी साथ चले ना। चांदनी बेटा, मेरा दिल नहीं चाहता मेरी जान, बल्कि तुम ऐसा करना, कल जाके एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लेना और उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी भी, और हाँ, मरियम के लिए भी एक अच्छा सा गिफ्ट लेना। चलो बस, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें निकालती हूँ। जब बीबी ने उसे कहा तो वो हमें छोड़ के चला गया। अब बीवी ने ख्वाब में आकर बताया कि बेटी को रुखसत करना है, तो दौड़े चले आ रहे। बाबा जान, उनके जिगर का टुकड़ा तो यहीं रह गया था ना। सच कह रही हूँ मरे? हाँ ना, अभी सीधा बात करके तुम्हारे पास आ रहे हैं हम, तुम्हें खुशखबरी देना। अपना कहना जरिया, आपकी बहने काम नहीं आते। बिल्कुल आती है, वो जिस राहों पर भी आएगी उन राहों पर फूल बिछा दूंगा। एक मिनट, चांदनी ने ये भी कहा था कि मेरे दीवाने को काबू में रखें, उसे कहना कि मेरे करीब ना आए, ना मुझसे बात करने की कोशिश करे। ठीक है, वो जैसा जाएगी वैसा होगा। वो आ रही है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी यार। सरिया, तुम तो दीवानगी की सारी हदूदों को छूने लगे हो, अगर खुदा ना खास्ता। प्लीज मरियम, यहीं रुक जाओ। अगर खुदा ना खास्ता जैसा तुम कह रही हो वैसा हुआ तो मैं जान दे दूंगा। अल्लाह ना करे सरिया, मैं तो इसलिए कह रही थी कि हमारी फैमिली के उसूल, मेरे बेटे के रास्ते में किसी उसूल की कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं जानती हूँ मेरे बेटे में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी मोहब्बत के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अपने पाँव में कुचल कर अपनी मोहब्बत का हाथ थाम लेगा। अम्मी जान, बस आप दुआ कीजिएगा। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ, लेकिन हौसला तो तुम्हें करना होगा, वरना मोहब्बत की जुदाई सहने से बेहतर है कि इंसान अपनी जान दे। अम्मी जान। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ मरियम, मोहब्बत की जुदाई का दुख सहना आसान नहीं। कहाँ रह गई सफिया? आ गई आपा, आ गई आ गई। चांदनी जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। आज तो मेरी जान बहुत थक गई होगी। जी आज तो थक गए। अरे वाह बिरयानी, लेकिन खाला अम्मी ने तो कोफ्ते बनाए थे।
आप शादी के फंक्शन पे गई थी? फंक्शन पे नहीं गई थी, ये तबरुक है मेरे पीरो मुर्शिद के लंगर का। पीरो मुर्शिद? अम्मी कभी मुझे भी मिलवाए ना उनसे। मौका आने दे, मिलवाऊंगी। तुझे पता है बहुत इज्जत करते हैं मेरी, अपनी आल औलाद के लिए मुझसे ही दुआ करवाते हैं। पता है कहते हैं कि जो वारिस मिला है ना, चंदा तेरी दुआ से मिला है। तो आपा, आप अपनी चांदनी के लिए भी दुआ किया करें। बहन मैं तो जिंदा ही अपनी बेटी के लिए दुआ करने के लिए, अल्लाह इसके भाग लगाए और उसको इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि ये बांटते ना थके। आमीन। अम्मी आप कशिश को जानती हैं? कशिश? कौन कशिश? वो है जो समीरा बांकी की। ओह, वो फैसलाबाद वाली मेरी गुरु बहन है। क्या बात है, तू कैसे जानती? एक्चुअली वो मेरी पेशेंट है, उस पर चाकू से किसी ने बहुत वार किए, बहुत जख्म आए उस पर। अरे उसके दुश्मन कहां से पैदा हो गए? आप कैसी हो? बेहतर है। मैं चक्कर लगाऊंगी अस्पताल। मैं कैसे जा सकती हूँ वहां? तो तू ये क्या बात हुई, आप मिलना चाहती हैं तो जरूर चलेगा, बल्कि कल मेरे साथ जाइएगा। मैं चांदनी तेरे साथ? मगर बस फैसला हो गया, कल आप मेरे साथ जाएंगी। किसी ने पूछ लिया कि मैं कौन हूँ तो क्या जवाब देगी? यही कि आप मेरी माँ हैं। जी तेरे मेरी बच्ची। आपा परसों चांदनी ने अपनी दोस्त की मेहंदी पे जाना है। जम जम जा, तेरी दोस्त के साथ भी मेरी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उसके बाग लगाए और उसे भी बहुत सारी खुशियां दे। और सब अच्छा सा तोहफा लेके जाना, थोड़ा महंगा वाला। जी अम्मी जान। ये ले ये आलू। अब्बा जान मान गए, वो मुझे खुद रुखसत करने आ रहे हैं। सच में तुम्हारी बात हुई है क्या उनसे? ये वॉइस मैसेज सुना। मेरा बेटा, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारी माँ ने ख्वाब में आके मुझे इजाजत दे दी है, मैं आके अपने हाथों से तुम्हें रुखसत करूंगा। बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं। इससे बड़ी और क्या खुशी होगी मेरा कि ताया जान खुद आ रहा है। अब आ रहे हैं जब मैं उनसे जुदा हो जाऊंगी। पागल हो रहे हो, माँ बाप से कौन जुदा होता है आखिर? शादी करने का मतलब ये थोड़ी है कि पुराने सारे रिश्ते बदल जाएं। और तुम्हें पता है जब ताया जान आ जाएंगे ना, तो हम उनसे खुद बात करेंगे कि वो ज़रियाब की शादी की बात दादा जान से करें और राजी करें उन्हें। ज़रियाब की शादी? तुम दोनों ये ज़रियाब की शादी? क्या मसला, तुम दोनों कराओगे शादी? मानो ने भी मुझसे तस्करा किया। क्या तुम लोग वाकई संजीता? जी नानी जान। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का, ये नामुमकिन है। मगर क्यों? आइंदा इस मौजू पर जबान नहीं खोलना। मगर क्यों नानी जान? कह दिया ना एक दफा, मैं तो खुशखबरी लेकर आई थी कि वसीम का मैसेज आया है, वो कल पहुंच रहा है। जी नानी जान, मेरे पास भी मैसेज आया है, अब्बा जान कल आ रहे हैं। वसीम बहुत अरसे के बाद वापस लौट रहा है, इसलिए कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना जिससे घर का माहौल खराब हो। समझ गई? जी। मेरा तो दम निकल रहा है ये सोच सोच के कि वसीम भाई खुद आ रहे हैं अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने। हाँ तो क्या हो गया, उनका घर है, उनका आना तो बनता ही है मामा। क्या बात है, तुमने सोचा है कि जब ये सारी सिचुएशन देखेंगे तो वो क्या करेंगे? भाई मुझे इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं उस बोंगी लड़की से शादी नहीं कर सकता।
और ये जितनी भी परेशानियां हैं ना, ये आपकी अपनी पैदा की हुई हैं। आप खुद ही इनको सुलझाएं तो बेहतर होगा। एक और दिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर कहोगे तो पाँव भी पकड़ लूंगी मैं तुम्हारे। प्लीज, आप मुझे इतना मजबूर क्यों कर रही हैं? तुम्हारी इज्जत का सवाल है। अरे तो मेरी भी तो ये पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं इतनी बैकवर्ड लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे स्पेंड कर सकता हूँ मामा? देखो ये मेरे बंधे हुए हाथ, प्लीज हमारी इज्जत रख लो। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे पाँव भी। प्लीज मान जाओ। ठीक है मामा, मैं शादी जरूर कर लूंगा, मगर इसके बाद क्या करता हूँ आप शिकायत मत कीजिएगा। अदील इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो ना जवाब। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरा बच्चा, अब मूड तो ठीक कर लो। माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि वसीम भाई अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए खुद आ रहे हैं। मेरा भी बहुत खुश है, परसों बाद अपने बाप से मिलेगी। वसीम को कहलवा दीजिएगा कि वो इस घर में ना आए। जब बीवी ने उसे कहा तो वो हमें छोड़ के चला गया। अब बीवी ने ख्वाब में आकर बताया कि बेटी को रुखसत करना है, तो दौड़े चले आ रहे। बाबा जान, उनके जिगर का टुकड़ा तो यही रह गया था ना। दोनों मियाँ बीवी रोते से सकते यहाँ से चले गए, और किसी को जरा भी उन पर रहम नहीं आया था। वसीम यहाँ नहीं आएगा। मानू, तुम खामोश हो जाओ। मैं गुस्ताखी नहीं कर रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आखिर मीरब को यहाँ रहकर मिला क्या। माँ बाप से जुदाई का दुख बस। बाबा जान, आप आखिर सब कुछ भुला क्यों नहीं देते? इतने बरसों के बाद वसीम भाई आ रहे हैं, और वो कोई गैर नहीं, आपके सगे बेटे हैं। आप खामोश रहिए प्लीज। बेटे से रिश्ता जताकर हमें ब्लैकमेल मत कीजिए।